मैंने दाऊद राज गंगवार ओके आई एम फ्रॉम इंडिया ओके ओके नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों अभी आ गए हम फिर से घोड़े वाले लीक के सेगमेंट में। ये देखिए कुछ इस तरीके से सारा बीट टंगा है। ले जाएंगे, ले जाएंगे, गाना गा रहा प्लीज लाउड प्लीज लाउड दिस मनी सिंगर मनी कह रहा गाना गाने का। ये देखिए बड़ी वाली फिश है ये और ये सूखी फिश है। तो दोस्तों अभी हम आए हैं कजाकिस्तान की ग्रीन बाज़ार के अंदर। ये यहाँ की वो लोकल बाज़ार है। यहाँ पे जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो इसके अंदर लोकल सारा सामान मिलता है। मींस यहाँ के जो फ्रूट वगैरह है ड्राई फ्रूट वगैरह है उस चीज़ के लिए फेमस है। बहुत बड़ा बाज़ार है ये। तो अब सबसे पहले चलते हैं अंदर। और सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों यहाँ की जो कजाकिस्तान में मैंने अधिकतर देखा है जितने भी शॉपकीपर हैं या जितने भी होटल के स्टाफ हैं जितने भी हैं सारी लेडीज़ हैं वुमेंस हैं। मेंस में मैंने किसी को नहीं देखा कोई काम कर रहा है। बाकी कुछ ही लोग दिखते हैं लेकिन लेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं चलो ग्रीन बाज़ार के अंदर और आपको आज विजिट कराते हैं किसी कजाकिस्तान की ग्रीन बाज़ार। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए ग्रीन बाज़ार के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की लोकल ग्रीन बाज़ार किस तरीके की होती है। जैसा कि हमारे यहाँ पर खुली बाज़ार लगती है बट यहाँ पर खुली बाज़ार नहीं है। ये पूरा एक शोरूम टाइप का है और इसके अंदर बाज़ार लगी हुई है। तो बाज़ार के अंदर जैसे ही हम इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें सेगमेंट पड़ता है ये ड्राई फ्रूट्स का। यहाँ पर देखिए आप कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं आप देख रहे हैं। देखिए कुछ ही ड्राई फ्रूट्स में जानता हूँ जैसे कि काजू हो गया काली किशमिश हो गई किशमिश हो गई बादाम हो गए अंजीर वगैरह और बाकी कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं। और सर ने हमें ये टेस्ट भी कराया था इसको बोलते हैं हलवा लेकिन मुझे सबसे अच्छा इसका टेस्ट लगा जैसा कि देख रहे हो आप ये हलवा है यहाँ का और बाकी कुछ इस तरीके के हैं। बाकी इसका रेट है 100 ग्राम 1500 टंगे। बाकी आगे चलते हैं मैं आगे भी कुछ और दिखाता हूँ। देखिए पूरे ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है और इसके आगे तो दोस्तों आपको दिखाते हैं। देखिए मसाले भी यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे जिस तरीके के मसाले लेना चाहते हो। देखिए ये सारे मसाले हैं कि मिर्च है हल्दी है काली मिर्च है। तो ये लोकल मार्केट है जो यहाँ के लोकल लोग हैं यहाँ पे अपनी शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे जो रेट है थोड़े अप डाउन है लेकिन ठीक है सारी चीज़ें। और इसके बाद आपको लेके चलते हैं। ये देखिए फ्रूट्स हैं ये देखिए फ्रूट्स हाउ मच दिस पैकेट हाउ मच दिस पैकेट 1500 टेंगे 1500 अच्छा 1500 टेंगे। तो दोस्तों 1500 टेंगे 1 kg के हैं ये यानी कि 1500 टेंगे 1500 हाँ 1500 टेंगे के हैं ये। आगे देखिए ये सारा मार्केट है दही मक्खन घी का ये देखिए सारे लगे हुए हैं ये सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि जो मिल्क से बने होते हैं दही वगैरह योगर्ट ये देखिए कुछ इस तरीके की मार्केट है। और अभी इसके आगे आपको लेके चलते हैं जो बीफ मार्केट है उसके अंदर। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की मार्केट है यहाँ पे ये इसे बोलते हैं ग्रीन बाज़ार ग्रीन मार्केट। ये लोकल कजाकिस्तानी जो लोग हैं वो यहाँ से ही सारी शॉपिंग करते हैं अपने। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं और दोस्तों सारी सेगमेंट यहाँ पे एक बात बहुत बढ़िया लगी मुझे सारे सेगमेंट अलग अलग हैं। मतलब आपको वेजिटेबल्स लेनी है तो उसका सेगमेंट अलग है नॉनवेज लेना तो उसका सेगमेंट अलग है एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो आपको उसका सेगमेंट अलग है। मतलब आपको एक ही जगह जाके सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी आप सारी चीज़ें एक ही जगह से परचेस कर सकते हो बहुत जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी सही लगा मुझे लेकिन मुझे ये वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा डरावना लगा आप जो देख रहे हो ये देखिए 1500 टेंगे बाकी आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके की मार्केट है आप देख लीजिए। तो दोस्तों अभी आ गए हम फिर से घोड़े वाले लीक के सेगमेंट में। ये देखिए कुछ इस तरीके से सारा बीफ टंगा है और ये इंटरनेशनल फूड है ये देखिए आंटी क्या कर रही हैं ये देखिए काटा पीटी और ये यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है ये सब कजाकिस्तानी जो लोग हैं उनका नेशनल फूड है तो अवश्य बात है कि नॉर्मल ही होगा सब कुछ। तो देखिए और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर घूमने में मतलब ऐसा जैसे होता है हमारे इंडिया में अगर हम इस तरीके की जगह पर चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा स्मेल होती है बट यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं है सबसे बड़ी बात यह है इसलिए मैं यहाँ पर घूम पा रहा हूँ वरना मैं यहाँ पर स्मेल सुन के रह नहीं पाता। और दोस्तों यहाँ पे दिखाते हैं आपको चिकन देखिए चिकन इस तरीके का है पूरे पूरे चिकन रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं चिकन लेना आपको नहीं लेना है ये देखिए चिकन सारा
तो दोस्तों इधर से चलते हैं अपने फिर से वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स वाले सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे सर दर्द हो गया मेरा। और बाकी देखते हैं अभी पोटैटो वगैरह। एक मैम बोल रही थी हाय, उसके बाद मैं उधर गया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वीडियो मत बनाओ मेरी। मन का ओके। ये देखिए फिश है, ये देखिए एक फिश है यहाँ पे सूखी रुकी हुई। ये देखिए देखिए ये देखिए बड़ी वाली फिश है ये, और ये सूखी फिश है। हम यहाँ से लेने वाले हैं कुछ पोटैटोस और आज हम बनाने वाले हैं जीरा फ्राई आलू। ये शोर का मीट है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें खा लेते हैं ये लोग, इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं खाते हैं। इन्हें जो मिल जाए जीने के लिए उस चीज़ का सब खा जाते हैं ये। 366 रुपये टेंगे, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है ना आपको। तो दोस्तों हमें एक ऐसी जगह देखनी थी, वो हमें मिल चुकी है। यहाँ से छोटे छोटे पाउच ले सकते हैं हम अपने मसालों के लिए। जीरा लेना है हमें, रिफाइंड लेना है हमें, और थोड़े और मिर्च वगैरह लेनी है, क्योंकि हमारे हॉस्टल के अंदर नहीं है। और आज हम बनाने वाले जीरा फ्राई, से थोड़ा सा यहाँ से आइटम लेते हैं और बताते हैं आपको ये किस प्राइस के हैं। कि हम यहाँ से लेते हैं जीरा, तो मैंने मैम से पूछा दिस इज़ जीरा हाउ मच टेंगे, 300। तो बोल रही 30 टेंगे की है ये जीरा, तो सही है ना अंकल, सही है। एक जीरा ले लेते हैं, और उसके बाद लेते हैं चिली पाउडर। यस यस चिली पाउडर, यस स्मॉल यस 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 स्मॉल नहीं तो ओके। हाउ मच टेंगे, 30 टका बोलनी का। अच्छा ये भी 30 टेंगे का है और ये भी 30 टेंगे का है। ओके ओके 60 टेंगे, सिंपल 60। ओके तो दोनों चीज़ें बोलनी है 70 टेंगे की है ये। ब्रदर सम डिस्काउंट, हाफ के जी यस 2500। नो वेरी एक्सपेंसिव। ओके मैम, दिस नो एक्सपेंसिव, दिस नो एक्सपेंसिव, दिस फ्रॉम ब्राजीलिया, दिस ब्राजीलिया, दिस हाउ टू सर। Yeah, I know, but please some discount and I buy half kg. This 6,500 you discount? No, very expensive, very expensive. Okay. तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके की मार्केट थी, काफ़ी एक्सपेंसिव है चीज़ें। तो वैसे तो हम अपने ड्राई फ्रूट्स कैरी करके लेके आए थे अपने लिए, तो हमें तो ज़रूरत है नहीं। अंकल पूछ रहे थे तो अंकल के लिए मैंने सोचा कि हाफ के जी का पूछ लेता हूँ रेट। बाकी पोटैटोस तो लेने ही है। ये देखिए बादाम, जिंदगी नमे और दोबारा। यस जिंदगी नमे लेगी दोबारा, जिंदगी नमे और दोबारा। दिस बाबा लिसन टू सॉन्ग, यू लिसन दिस सॉन्ग, जिंदगी नमे लेगी दोबारा। ब्रदर शाहरुख खान, सलमान खान, ओके, कैटरीना कैफ, ओके, इंदिरा गांधी, कैटरीना कैफ योर सिस्टर, इंदिरा गांधी इज नो मोर, ओके। तो ट्राई करने के लिए बोला, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। नेम बूम 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 बूम। तो भाई ने दिया हमें ये एक फिर से, व्हाट इज दिस, दिस बाजार बाबा, बाजार बाबा, दिस इज व्हाट इज दिस, हलवा हलवा बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं हलवा। ले जाएंगे, ले गाना गा रहा, प्लीज लाउड, प्लीज लाउड, दिस मनी सिंगर मनी, कह रहा गाना गाने का, कह रहा गाना गाने का पैसा लूंगा, अभी गाना गा रहा था। ले जाएंगे बाजार, बाजार बाबा, बाजार, दिस इज बाजार बाबा, अच्छा बाजार बाबा, नो लेडी बाबा, लेडी सिक्स लेडी, ओके सिक्स लेडी, हो हो नो लेडी, नो लेडी, नो लेडी मनी, नो लेडी, यस मनी, नो। दोस्तों अभी हम ले रहे हैं 1 केजी आलू, प्लीज हाउ मच दिस टेंगे, हाउ मच टेंगे, 250 टेंगे पर केजी। सो हम 1 केजी ले रहे हैं, ऑल पोटैटो this size please, you blogger? Yes yes yes, I am blogger, I am from India. And you? Tajikistan. You are, yes, from Tajikistan. Yes, okay, yes. Okay, you are very good. Yes, so please some discount. Okay, yahan pe kar rahe hain iska vajan, wo please brother some discount, 1 kg, 1 kg, okay, 270, okay, no 250, wo 200, okay. Correct, you want to see 40, right? Okay, done. Brother, how much? This 1,500 1 kg. 1,500 1 kg, okay.
ओके 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 प्लीज ब्रदर सम डिस्काउंट 1 kg 200 ओके ओके थैंक यू यू इसो शंकर यस यू इसो इसो नो माय नेम इज राज गंगवार यस यस माय नेम इज मुहम्मद 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 ओके मुहम्मद नाइस टू मीट यू मुहम्मद नाइस टू मीट 200 टेंगे ओके यस यस डन गुड थैंक यू तो दोस्तों हमने 1 kg आलू ले लिए हैं और आज हम बनाने वाले हैं जीरा फ्राई क्योंकि हमें तो आलू ही पसंद है और बाकी अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो आप वहाँ से पाव ले सकते हो घोड़े का अगर आप कभी आते हो तो आप चख सकते हो उसे तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं ग्रीन बाज़ार से जैसा कि मैंने आपको दिखाया ग्रीन बाज़ार यहाँ की कैसी है ये यहाँ के लोकल के ग्रीन बाज़ार है और आपने देखा यहाँ के लोगों का किस तरीके का खान पीन है मैंने सारी चीज़ें दिखाई यहाँ का जो भी जैसे मिल्क वगैरह यूज़ करते हैं वो भी हॉर्स और कैमल का मिल्क यूज़ करते हैं उसी का घी और उसी का दूध दही सब उसी का यूज़ करते हैं बाकी अगर जो पैक्ड चीज़ें होती हैं जो बाहर से आती हैं वही सारी चीज़ें आपको भैंस के और गाय के दूध की या दही गाय के मिल जाएंगे पैक जो मैंने आपको कल दिखाया था अपनी वीडियो में और दोस्तों मैं बता दूं आपको अभी हमने ले लिए हैं ग्लव्स और ये ग्लव्स मेरे को पड़े हैं 1500 टेंगे यानी कि इंडियन रुपये 300 या 350 के समथिंग का आप कैलकुलेट कर लेना बिकॉज यहाँ पर सर बहुत कोल्ड है हेलो 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 थैंक यू वेयर आर यू फ्रॉम यू आर कजाकिस्तानी ओके ओके वेयर आर यू फ्रॉम वट इज योर नेम आगे जावूत मैंने जावूत राज गंगवार ओके आई एम फ्रॉम इंडिया ओके ओके नमस्ते नमस्ते तो जो ये इंडिया की आंटी हैं और ये अपना वीडियो ओके 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 गुड 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 इन्होंने अपने फोन में मेरी वीडियो ओके आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई नो सलीम ओके तो जिसको ये लैंग्वेज आती है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं ओके 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 तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है दोस्तों अपने सर को तो मैं इससे बचा ले रहा हूँ ठीक है मतलब सर में तो उतनी नहीं लग रही मुझे लेकिन हाथों में बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं अपना फ़ोन और कैमरा हाथ से पकड़ रहा हूँ तो हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एक दो बार तो उसमें मेरे हाथ बिल्कुल जम गए थे खून जम गया था और बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था तो इस वजह से मैंने ग्लव्स ले लिए काफ़ी सुकून मिला मुझे अब ग्लव्स में तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कभी भी अगर आप कजाकिस्तान आते हो या फिर इस तरफ की कंट्री में आते हो अगर इस मौसम में आ रहे हो आप तो अपना ग्लव्स अपने कैप और अपने सॉक्स ज़रूर एक्स्ट्रा कैरी करके लेके आना और अभी धीरे धीरे हो गई है स्टार्ट अभी स्नोफॉल स्लोली स्लोली मतलब हल्की हल्की बहुत ज़्यादा स्लोली आपको दिख नहीं रही होगी अगर जैसी अभी बढ़ती है तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि स्नोफॉल कैसे होती है यहाँ पे फिलहाल तो अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है बहुत कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही होगी लेकिन दिख रही है मुझे तो दोस्तों अभी स्टार्ट हो गया है स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा हो रहा है बट मुझे लग रहा है कि जैसी जैसी मौसम ख़राब होता जाएगा उतना और ज़्यादा बढ़ जाएगा मेरे कैमरे के स्क्रीन पर आ रहा है और मेरे हल्का हल्का फेस में आप देख भी रहे होगे तो दोस्तों आज आपने देखा आज हमारा था कजाकिस्तान में तीसरा दिन और आज हमने आपको घुमाया कोकबे सिटी जैसा कि आपने देखे कोकबे सिटी किस तरीके की प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना उसके बाद हम लेके आए आपको ग्रीन बाज़ार के अंदर हमने आपको दिखाया किस तरीके के ग्रीन बाज़ार है यहाँ के जो लोकल शॉपिंग करते हैं सब तरीके की चीज़ें और आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी हम इधर से वॉक करते हुए जा रहे हैं अपने रूम की साइड तो दोस्तों आज था हमारा कुछ इस तरीके का दिन प्लीज़ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरीके की वीडियो लग रही है और आप घूमना चाहते हो या नहीं चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय दोस्तों।